दोस्तों मैं राजा रंजन, प्राउड फाउंडर ऑफ onpassive.com, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी से ही जो हमारा ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा आने लगा है, और ये कैसे हो रहा है, ये हमारे जो भी एड्स चल रहे हैं, जैसा कि आपको पता है इससे पहले भी मैंने वीडियोज़ बनाया था कि onpassive ने एड चलाना शुरू कर दिया है, और वो काफ़ी सारे साइट्स पर, बड़े बड़े साइट्स पर एड चल रहा है। यहाँ तक कि मैंने इसको देखा कि पिंटरेस्ट पर भी इसका एड चल रहा है, और पिंटरेस्ट बहुत बड़ी वेबसाइट है, आपको पता है, बहुत बड़ी कंपनी है, बिलियंस ऑफ डॉलर की। ओके, तो ये फॉरन की है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, मतलब हर जगह, नॉट ओनली पिंटरेस्ट, हर जगह आप देखो, बबल शूटर गेम हो, चाहे न्यूज़ वेबसाइट हो, हर जगह एडवर्टाइजमेंट दे रहा है। तो इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं कि बैकएंड पर जो वर्क चल रहा है ये काफ़ी फास्ट चल रहा है, और वो लोग अभी से सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये समझ लीजिए कि अभी से अगर ये चीज़ हो रही है, या अभी तो कंपनी लॉन्च नहीं हुई है, ठीक है, अभी भी कंपनी सॉफ्ट लॉन्च तक नहीं हुई है, और अभी से अगर एड वगैरह इतना चलना स्टार्ट हो गया है, तो आप समझ लीजिए उनसे जो ट्रैफिक जनरेट हो रहा है वो तो डेटा उनके पास अभी से आना स्टार्ट हो गया, या फिर यानी कि आने वाले टाइम पर जो भी हमारा अभी मेन हमारा जो ट्रैफिक सोर्स है, जो हमारा मार्केटिंग है, कैंपेनिंग जो चलने वाला है, वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। वो जैसे कि एसएन ने बताया था, वो सॉफ्ट लॉन्च के बाद स्टार्ट होगा, मतलब सॉफ्ट लॉन्च में स्टार्ट होगा। तो अगर सॉफ्ट लॉन्च में वो स्टार्ट होता है, तो उससे पहले ही सपोज मान लेते हैं अगर एक महीना बाद हमारा सॉफ्ट लॉन्च हो रहा है, तो उससे पहले अगर इतना ट्रैफिक उन्हें ऑलरेडी मिल जाएगा, हमें एक्चुअली बेनिफिट तो हमें ही होने वाला है एज ए फाउंडर, तो जितना भी ट्रैफिक यहाँ पर मिलने वाला है, तो उसका जो भी बेनिफिट होगा आने वाले टाइम पर, अभी का जो ट्रैफिक है इसका भी, और जब सब सोचिए आप, जब कंपनी चलेगी, जो 100 टाइप्स के यहाँ पर जो ट्रैफिक आने वाले टाइम पर जो ट्रैफिक सोर्स होने वाला है, उससे आप ये समझिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट होगा। और ये अभी तक ये लॉन्च नहीं हुई, और अभी से ये हाल है, तो आप समझ लो उस टाइम कितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा। अगर मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊँ, तो मिलियंस यहाँ पर ट्रैफिक होने वाले हैं सॉफ्ट लॉन्च में अगर इतने ट्रैफिक होंगे, तो आप समझ लीजिए अगर उस टाइम आप फाउंडर रहते हैं, तो जो मेन लॉन्च होगा, तो आपका जो इनकम जनरेट होगा वो पर सेकेंड पर मिनट में कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इसको आप समझने का कोशिश करिए कि ट्रैफिक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज के टाइम पर अगर आपके पास कोई भी बिजनेस है, सपोज आप छोटा सा एक शॉप ही क्यों ना चला रहे, आप चाय की दुकान ही क्यों ना खोलो, अगर आपके पास ट्रैफिक नहीं होगा, अगर आपके पास ऑडियंस लोग नहीं होंगे, तो आप बेचोगे किसे? बट onpassive यहाँ पर आपको पता है अभी के टाइम पर, जैसे कि बहुत लोग बोलेंगे कि अभी तो टीवी पेपर में तो अभी तक ऐड नहीं आया, तो देखिए टीवी और पेपर आज के टाइम पर बहुत कम लोग देख रहे हैं। आज के टाइम पर मैक्सिमम लोग मोबाइल तो देख ही रहे हैं, मतलब मोबाइल के बिना आजकल कुछ भी नहीं होता है। और अब जैसे मोबाइल खोलोगे, कोई भी वेबसाइट खोलो, कहीं भी खोलो, आपको ऐड दिखना शुरू हो जाएगा। और onpassive का ऐड ऐसे ही आने वाले टाइम पर यूट्यूब हो, चाहे कोई भी ऐप हो, आपको धीरे धीरे बहुत जगह यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिखने वाला है, और वो सारे इस पर क्लिक करेंगे, बिकॉज इतना शानदार एडवर्टाइजमेंट, अभी तो कुछ भी नहीं है एडवर्टाइजमेंट, अभी मैं बोलूँ तो 0.1% है। इसके बाद जो ऐड चलने वाला है वो इतना ज़्यादा बेहतरीन चलने वाला है कि लोग उसको क्लिक किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब ये सोचिए, अगर एक दो महीने की बात करो, जब हमारा सॉफ्ट लॉन्च होगा, मेन लॉन्च होने वाला होगा, तो हमारे पास जो ट्रैफिक होगा, मिलियंस ऑफ ट्रैफिक होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, जो भी ट्रैफिक होगा उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, वो हमें हमारे नीचे ही होने वाला है, यानी कि सबका जो बेनिफिट मिलेगा वो फाउंडर्स को मिलने वाला है। तो आप समझिए आप कितने लकी, आप इस टाइम जो onpassive पर आए हो, आप अपने आपको बहुत ज़्यादा लकी मानो कि आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि इतने बड़े कंपनी में आप आए हो। सो ये एक्चुअली मैं ट्रैफिक के बारे में सोच रहा था, ट्रैफिक के बारे में मुझे जो लगा कैलकुलेशन, उसके हिसाब से मैंने बताया, और मैंने जो बताया इससे ज़्यादा ही होने वाला है। ओके, तो इसको आप एग्जैक्ट मत मान लीजिएगा, बट जितना मुझे पता इंटरनेट मार्केटिंग के बारे में, बिना ट्रैफिक का कोई भी काम नहीं होता, और इसीलिए onpassive सबसे पहले ट्रैफिक जनरेट कर रही है, क्योंकि ट्रैफिक के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है इंटरनेट मार्केटिंग करना। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि onpassive से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलते रहे। सो दोस्तों फिर आपसे मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक।